मेरा नाम पूनम मिश्रा है और मैं शहर वाराणसी से हूँ। 2019 में मेरे हस्बैंड ने हाउसिंग लोन लिए और 2020 में लॉकडाउन लगा, उनकी जॉब चली गई, उसी की वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया और वो एक्सपायर कर गए। मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं कर्जा दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना जेवर बेच के अभी तक बैंक का कर्जा दे रही हूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं कहाँ से दूँ। मैं LIC एडवाइजर हूँ, छोटा सा काम करके अपना अपने बच्चे का परवरिश कर रही हूँ। आगे का भविष्य का नहीं मालूम कि क्या, अगर सरकार कर्जा माफ कर देती तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सहारा होगा, अन्यथा मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बैंक कोई दबाव देता है तो मेरे पास ही नहीं, बैंक में हम गए भी, बैंक वाले से बोले भी कि देखिए कुछ सहायता करिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड नहीं है अब इस दुनिया में, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है लोन देना, EMI हम नहीं दे पा रहे। बैंक वाले बोले कि मैम आप हैं, कोई रास्ता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए।